तो ये गरीबों के प्रति उनका काम है। इसीलिए इस सरकार को हम चेतावनी देना चाहिए, एक होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि 100 दिन काम के लिए आज के मिनिमम वेजेस के तहत 1,75,00,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए अपने बजट में रखा है। देश का दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के हमारे साथी आज आत्मसम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। शायद इसीलिए बार बार हाथरस, उन्नाव, ऊना जैसी डरावनी घटने हुक्मरानी की आत्मा को परेशान नहीं करती। साल 2015 में आज तक दलितों पर अत्याचार 13% बढ़े हैं, आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं, पर ये सब आंकड़े बन कहीं किताबों में खो गए हैं। न कोई सोचता, न सुनता, न कार्रवाई करता। गरीबों को ताकत देने के भाषण तो बहुत देते हैं, वोट लेने के लिए पिछड़ों की बात ज्यादा करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सैकड़ों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो आप मित्रों को बेच रहे हैं, उसमें लाखों गरीबों के लिए रिजर्वेशन की नौकरी भी चली जा रही है, और दूसरे जो ओबीसी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से, उनके नौकरियां भी आज जा रहे हैं, गिरते हैं। पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिरे से ही खत्म कर देते हैं। क्या अब देश की सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं बचा कि वो गरीबों के बच्चों को क्लास 1 से क्लास 8 तक स्कॉलरशिप दे सके? अगर गरीब के लिए कुछ बचा भी हो तो उस पर भी चुन चुन कर हमला बोला जाता है। शायद इसीलिए इस साल दिल्ली में बैठी सरकार ने फूड सिक्योरिटी का 90,000 करोड़ रुपया काट दिया, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने गरीब लोगों के लिए, उनके पेट भरने के लिए उन्होंने जो कानून बनाया, उसमें इन्होंने आज 90,000 करोड़ का कटौती इन्होंने किया है। आप ही सोच